नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एमसीक्यूज की इस सीरीज में जो आज हम देखने वाले हैं अपना इकोनॉमी सब्जेक्ट, और इकोनॉमी सब्जेक्ट में जो हम बात करने वाले हैं आरबीआई और बैंकिंग पे बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आरबीआई और बैंकिंग, तो ये हर एक वन डे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो फैक्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं कॉन्सेप्ट के लिहाज से बात करूँ तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको सिविल में भी देखने को मिलता है, स्टेट पीसीएस में भी आपको देखने मिलता है, और वन डे में तो देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। सो आज का जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आरबीआई एंड बैंकिंग। इससे पहले कि अगर मैं सेशंस की बात करूँ तो हमने मनी एंड इन्फ्लेशन को कवर किया है, वो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमने नेशनल इनकम को भी कवर किया है, वो भी आपने उम्मीद करता हूँ कि देखे होंगे। इसके साथ में फॉरेन पॉलिसीज को भी मैंने कवर किया है। फॉरेन पॉलिसीज के साथ में अगर मैं बात करूँ तो हमने आज जो कवर करने के लिए हमने टॉपिक रखा है वो है आरबीआई। आगे बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है 1 जुलाई 1955, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949 या 1934, ठीक। देखो अगर मैं बात करूं 1 जुलाई 1955 की, तो आपको भी पता है कि 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका? एसबीआई का राष्ट्रीय SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए SBI से रिलेटेड कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। में गोरेवाला समिति की सिफारिश पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। आगे चल के इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 में SBI में तब्दील कर दिया गया। अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 1935 की, तो 1 अप्रैल 1935 की अगर मैं बात करूं तो 1926 में हिल्टन यंग कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? 1926 में हिल्टन यंग कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया, और आगे चलकर 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीयकरण की बात हो गई 1 जनवरी 1949, 1 अप्रैल 1935 क्यों है? क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था। इसके साथ ही मैं बात करूं 1926 को, तो यंग हिल्टन कमेटी है, इस कमेटी के आधार पर किया गया था। अगर मैं वही 1934 की बात करूं तो 1934 को आता है आपका आरबीआई एक्ट। 1934 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही में आपने 1 जनवरी 1949 को देख लिया, 1 अप्रैल 1935 और 1 जुलाई 1955 को देख लिया। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है। मैं बहुत कहानी पे नहीं जा रहा हूँ, आपके सामने फैक्ट डिलीवर कर रहा हूँ। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आरबीआई का प्रमुख कार्य नहीं है। ऑप्शन है, मैं इसको गोल कर रहा हूं, नए नोटों का निर्गमन, साख नियंत्रण एवं साख सृजन, विदेशी मुद्रा का भंडारण एवं नए बैंकों को लाइसेंस जारी करना। देखिए अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो ऑप्शन जो आपका एक कहता है, आरबीआई नए नोटों का निर्गमन करती है, नए नए नोटों का निर्गमन करती है, लेकिन 1 रुपए के नोट पर सरकार का वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और 1 रुपए के ऊपर के नोटों पे आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं और आरबीआई इसे जारी करता है। अगर मैं वही क्वाइंस की बात करूं तो क्वाइंस गवर्नमेंट
इशू करती है, मतलब एक रुपए के नोट और सिक्कों को जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है वो भारत सरकार के पास है। और अगर मैं वही बात करूं 1,000 रुपए के ऊपर के नोट के, तो 1 रुपए के ऊपर के नोट को जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है वो RBI के पास है। नए नोटों को जारी करने के लिए हमारे यहाँ न्यूनतम रिजर्व प्रणाली या मिनिमम रिजर्व सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके तहत RBI 200 करोड़ की एक कोष का निर्माण करती है, और उस कोष की अगर मैं बात करूं तो 115 करोड़ का गोल्ड अपने पास रखती है, और 85 करोड़ का अगर मैं बात करूं तो सरकारी या विदेशी प्रतिभूति रखती है। सपोज दैट अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि अगर इन फ्यूचर इसको बढ़ा दिया जाए 200 करोड़ से, इसको कर दिया जाए 400 करोड़, तो क्या जो आपका गोल्ड का रिजर्व है वो बढ़ाया जाएगा? देखिए, अभी तक जो गोल्ड के रिजर्व को लेकर के है, यकीन मानिए कि सरकार गोल्ड के रिजर्व को उतना प्रेफरेंस नहीं देगी, अब क्योंकि हमारा ऑलरेडी गोल्ड का आयात बहुत ज्यादा है। अगर सरकार गोल्ड को रिजर्व करना शुरू कर देगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा आयात बढ़ जाएगा, और अगर आयात बढ़ जाएगा तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और अगर विदेशी मुद्रा भंडार पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारा इम्पोर्ट कवर कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ठीक है, तो अगर इसके बाद भी कभी भी RBI अपने कोष को बढ़ाती है तो वहां पे जो गोल्ड का रिजर्व होगा वो 115 करोड़ होगा। हाँ, बढ़ाएगी कहां? अपने सरकारी और विदेशी प्रतिभूतियों में बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक, अगर मैं वहीं पे बात करूं साख नियंत्रण और साख सृजन की, तो साख नियंत्रण और साख सृजन का काम RBI नहीं करता है, साख सृजन का काम बैंक करते हैं। ठीक, साख सृजन का सीधा सा मतलब आप इतना समझिए कि लोन देना। लेकिन आप कहेंगे कि साहब लोन देने का काम तो RBI भी करती है, क्योंकि सारे बैंकों के लिए RBI अंतिम डेटर माना जाता है या अंतिम ऋणदाता माना जाता है। अगर किसी भी बैंक को कहीं से लोन ना मिले तो जाहिर सी बात है कि RBI उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक, लेकिन RBI बैंक को देती है, और बैंक किसको देते हैं? कस्टमर को देते हैं। डायरेक्ट RBI कस्टमर को लोन नहीं देती, इसका मतलब यह है कि RBI साख सृजन का काम नहीं करती, साख नियंत्रण का काम करती है। और नियंत्रण कैसे करती है हम उस पर थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे। अगर मैं वही विदेशी मुद्रा भंडार की बात करूं तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये आपके लिए थोड़ा रोचक विषय है। अगर वही मैं विदेशी मुद्रा भंडार की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम पे जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का 618 बिलियन डॉलर है। ठीक है, और अगर मैं भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की बात करूं तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अगर आप देखेंगे तो RBI का गोल्ड के साथ में अगर मैं बात करूं तो आपका डॉलर, यूरो, एन, पाउंड और रेन मिनवी, इसी को शायद आप बोलते हैं SDR बास्केट, इसी के साथ में ये भी अपने पास रखती है। और IMF के पास भारत का रिजर्व, अगर मैं IMF में भारत के वोटिंग की बात करूं तो जो भारत का वोटिंग है 2.75% है। अगर मैं थोड़ा सा SDR की बात करूं तो SDR IMF की एक करेंसी है जिसे 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया। अगर मैं SDR बास्केट की बात करूं तो SDR बास्केट में डॉलर, यूरो, इन, पाउंड और रेनमिनवी को रखा गया है। यह है आपका विदेशी मुद्रा भंडार। अगर मैं वहीं पे थोड़ा सा बात करूं भारत के फॉरेन डेट की, तो अभी जो भारत का फॉरेन का डेट है वो 613 बिलियन डॉलर है। मतलब वर्तमान समय में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारत के विदेशी ऋण से कहीं ज्यादा है, और ऐसा दशकों बाद देखा गया है। ठीक, इसके साथ ही में अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बता दिया विदेशी मुद्रा भंडार और नए बैंकों को जारी करने का लाइसेंस, ये भी RBI करती है। सो आपका है पूछा गया है कौन सा कार्य नहीं है, तो आपका है ऑप्शन बी, साख नियंत्रण करती है, साख सृजन नहीं करती है। साख नियंत्रण का क्या काम है वो मैं अभी लास्ट में बात कर लेता हूं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका कहता है कि RRB की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई? नरसिम्हन समिति, केलकर समिति, खुसरो समिति या तारापुर समिति। ठीक, अगर मैं RRB पे नजर डालूं तो RRB की जो स्थापना की गई थी नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी 1975
5 में। अगर मैं 1975 की बात करूं, नरसिम्हन कमेटी के सुझाव पर आरआरबी का गठन किया गया था। आरआरबी का मतलब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और जब इसका गठन किया गया तो चार स्टेट्स में 5 ब्रांचों का गठन किया गया था। आपके लिए 5 जरूरी नहीं, लेकिन आपके लिए यूपी का जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूपी में 2 ब्रांच थे, एक था आपका मुरादाबाद और दूसरा था आपका गोरखपुर, ठीक है। 2 ब्रांचों को लागू किया गया था। बाद में आप देखेंगे कि आरआरबी की जो संख्या थी 96 हो गई थी, लेकिन केलकर समिति के सुझाव पर यह कहा गया कि अब आरआरबी के जो ब्रांचेस हैं, न्यू ब्रांच को स्टेबल ना किया जाए। और अगर मैं बात करूं खुसरो समिति की, तो खुसरो साहब ने यह कहा कि आरआरबी को विलय कर दिया जाए, मतलब मर्ज कर दिया जाए। और मर्ज करने के बाद में प्रेजेंट टाइम पे 36 आरआरबी बचे हैं। अब आरआरबी पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आरआरबी का मतलब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर मैं बात करूं तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य था कि प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना। 1875 की अगर मैं बात करूं तो भारत में जहां बैंकिंग व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं थी, बैंकिंग प्रणाली तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी, ग्रामीण स्तर पर आप देखेंगे तो जो महाजन होते हैं, उन महाजनों से जो हमारे किसान होते हैं वो कर्ज लेने का काम करते हैं, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो उनके जाल में फंसते जाते हैं, और रिजल्ट यह निकल के आता है कि हमारे यहाँ किसान की आत्महत्या की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो इन्हीं सारे चीज़ों को, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 1975 को 2 अक्टूबर में हालांकि उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी नरसिम्हन समिति के सुझाव पर। अगर मैं बात करूं आरआरबी की, तो आरआरबी में जो 100% अभी शेयर धारिता है, ये भारत सरकार की है, गवर्नमेंट की है। और अगर मैं बात करूं गोवा और सिक्किम, की बात करूं तो यहां पे आरआरबी नहीं है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है ए। अगर वहीं पे मैं तारापुर समिति की बात करूं, तो तारापुर समिति का संबंध जो है ये आपके पूंजी खाता से है, और पूंजी खाता की मैं बात करूं तो भारत में जो हमारा व्यापार संतुलन, विदेश व्यापार होता है, विदेश व्यापार से संबंधित 2 प्रकार के खाते होते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। अगर मैं चालू खाता की बात करूं तो 1993-94 में चालू खाता घाटा को तो पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया, लेकिन हमारा पूंजी खाता आज भी आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। 1996-97 में तारापुर समिति का गठन किया गया, और तारापुर समिति के गठन से भी ये कहा गया कि आप जैसे हमारा चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीय, उसी प्रकार से हमारा पूंजी खाता को भी पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए अपनी सिफारिशें दें। लेकिन उसी टाइम पे आप देखेंगे तो गल्फ युद्ध शुरू हो जाता है, और गल्फ युद्ध शुरू होने के बाद आप देखते हैं कि हमारा जो पूंजी खाता है वो पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बन पाता है। जब हम फिर उसके बाद में यस तारापुर सेकंड के का गठन किया जाता है 2006 में, और जब 2006 में गठन किया जाता है यस तारापुर का, तो आप देखते हैं कि 2008 में फिर से सब प्राइम क्राइसिस आ जाता है अमेरिका का, और फिर से हमारा पूंजी खाता पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बन पाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा अभी तक का दुर्भाग्य है कि हम अपना चालू खाता तो पूर्ण परिवर्तनीय बना पाए हैं, लेकिन आज तक हम अपना पूंजी खाता को पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बना पाए हैं। तो अगर वहीं मैं तारापुर कमेटी की बात करूं, तो तारापुर कमेटी पूंजी खाता को पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित है, जो आपका राइट ऑप्शन है, आपका राइट ऑप्शन है ए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो भी आपको पता है कि मुंबई में। देखिए नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, यह चीज आपके लिए जानना तो जरूरी है। इसके लिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि नाबार्ड का गठन कब किया गया। अगर मैं नाबार्ड के गठन की बात करूं तो 12 जुलाई 1982 में छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मैं लिख देता हूं 12 जुलाई 1982 का छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, शिव रमन समिति की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं नाबार्ड की, मैं लिख देता हूं रमन समिति की सिफारिश की गई। अगर मैं वही बात करूं 2017 में, तो 2017 में जो नाबार्ड का पूंजी है इसको बढ़ा के 30,000 करोड़ कर दिया गया है। और अगर मैं वही नाबार्ड की बात करूं तो नाबार्ड में जो शेयरिंग है
ठीक, नाबार्ड में 50%, 35% और 15%। अगर मैं बात करूं आरबीआई की, तो यहाँ पे जो सरकार है 50% है आरबीआई, इसके आरबीआई के साथ ही साथ में जो आपके मतलब प्रायोजक बैंक है, प्रायोजक बैंकों का यहाँ पे शेयरिंग है, और यहाँ पे आरबीआई आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट की शेयरिंग है। इसके साथ ही में अगर बात करूँ इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इतनी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। और नाबार्ड करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड किसी भी किसान को डायरेक्ट ऋण देने का कार्य नहीं करता। अगर मैं नाबार्ड की बात करूं, तो नाबार्ड उन वित्तीय संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है, या उन वित्तीय संस्थानों को ऋण मुहैया कराने की कोशिश करता है जो प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने का काम करते हैं। अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं, जैसे कि आपका कृषि से संबंधित जितने भी प्रकार की खेती है वो आपका जाता है, आपका पशुपालन आ जाता है, आपका मत्स्य पालन आ जाता है, आपका दुग्ध उत्पादन आ जाता है, साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो आपका कुक्कुट पालन आ जाता है। तो बहुत सारी जो प्राथमिक लेवल पर यानी प्राकृतिक स्तर पर उत्पादन होते हैं, इन सबको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और इन क्षेत्रों में उत्पादन करने के लिए नाबार्ड फंडिंग करता है उन वित्तीय संस्थानों को जो डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये रहा नाबार्ड से संबंधित आपके सामने। हम अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भुगतान बैंक पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है लेकिन डेबिट कार्ड जारी नहीं करता। अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं, तो एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड जारी करता है, ठीक, जारी करता है लेकिन डेबिट कार्ड जारी नहीं करता। ठीक, अब दरअसल पेमेंट बैंक, एक बार आप समझ लीजिए कि पेमेंट बैंक है क्या। देखिए, पेमेंट बैंक की जो स्थापना है, यह भी नवीनतम स्थापना है। अभी 2016 के बाद से आप देखेंगे तो पेमेंट बैंक की स्थापना को आरबीआई ने अलाउ किया है। पेमेंट बैंक की स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, बैंकिंग वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में जहां बैंक अपने ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते हैं, उन क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि अगर मैं बात करूं तो वो इस पेमेंट बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। अगर मैं पेमेंट बैंक की बात करूं, तो पेमेंट बैंक जमा तो स्वीकार करते हैं लेकिन ऋण देने का कार्य नहीं करते। ठीक, और अगर कोई जमा स्वीकार करता है तो मतलब सा है कि डेबिट कार्ड तो जारी करेगा, और अगर ऋण नहीं देता तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा। मतलब डेबिट कार्ड जारी करेगा, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा, मतलब आपका पहला ऑप्शन सही है। अगर मैं पेमेंट बैंक की और भी बात करूं, तो पेमेंट बैंक में आप एक साथ में 1,00,000 से ज़्यादा के पैसे नहीं रख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं पेमेंट बैंक, तो पेमेंट बैंक अपना 75% जो ऋण देने का काम करता है वो, सॉरी, ऋण नहीं देता, 75% जो अपना ये इन्वेस्टमेंट करता है वो सरकारी प्रतिभूति में करता है, और सरकारी प्रतिभूति में इन्वेस्ट करने के से ही इसको लाभ होता है। साथ ही साथ में ये विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे तो और भी ये बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसके माध्यम से इनको लाभ होता है। अगर मैं बात करूं, इसके साथ में एक चीज और देखेगा, अगर मैं पेमेंट बैंक की बात करूं, तो जो आपका फर्स्ट पेमेंट बैंक है वो है आपका एयरटेल आपका फर्स्ट पेमेंट बैंक है। और अगर मैं बात करूं ब्रांच की, कि सबसे ज्यादा ब्रांचेस किस पेमेंट बैंक की है, तो वो है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं वही एनबीएफसी की बात करूं, तो एनबीएफसी क्या होते हैं, एनबीएफसी को बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो जमा तो स्वीकार करती हैं, ठीक, ये जमा स्वीकार करती हैं, लेकिन कैसे, या तो आरडी के तौर पे या तो एफडी के तौर पे, कभी भी ये करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के तौर पे जमा स्वीकार नहीं करते। और अगर करंट सेविंग अकाउंट के तौर पे जमा स्वीकार नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कि डेबिट कार्ड जारी नहीं करेंगे, क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एनबीएफसी, आपने नाम सुना होगा एज ए एग्जाम्पल ऑफ फिनेंस माइक्रो, जैसे मैं बात करूँ एनबीएफसी की, तो आप ऐसा समझ लीजिए बजाज फिनेंस। अगर आपने बजाज फिनेंस का नाम सुना, LIC भी ले लीजिए, LIC भी आपका एक तरीके का NBFC ही है। ठीक है, आप देखेंगे तो LIC भी
आपसे जमा स्वीकार करता है किसमें, आरडी और एफडी में, लेकिन आप सीए और एसए यानी आप कासा के रूप में आप अपने फंडिंग को जमा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको क्रेडिट कार्ड तो जारी करते हैं लेकिन डेबिट कार्ड जारी नहीं करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि बजाज वाले आपको बार बार फोन करते हैं, सर ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, वो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं और ये उन छोटे छोटे सेक्टर्स में लोन देते हैं जहां बैंकिंग लोन प्रोवाइड नहीं करती। जैसे कैमरा लेने के लिए आपको एनबीएफसी लोन दे देगी, बैंक नहीं देगी। टीवी के लिए आपको पता चलेगा कि एनबीएफसी दे देगी, बैंक नहीं देगी। हो सकता है कि आपको एसी लेने के लिए या गाड़ी लेने के लिए, टू व्हीलर के लिए एनबीएफसी इजिली प्रोवाइड कर दे, बट आप देखेंगे बैंक प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। अगर मैं बात करूँ राइट ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन है आपका सी। अगर वहीं पे मैं नेक्स्ट बात करूँ तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एनपीए की बात करूँ तो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए ऐसे उन टर्म्स को कहते हैं कि बैंकों के ऐसी संपत्ति जो परफॉर्मिंग में नहीं है, मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है, अगर मैं बात करूं 90 डेज तक बैंक का मूलधन किसी भी प्रकार के ऋण की अदायगी ना की जाए, तो ऐसे एसेट को मैं बात करूं तो सब स्टैंडर्ड लॉस कहा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति 90 दिनों के मूलधन और ब्याज की अदायगी ना करे तो उसे सब स्टैंडर्ड कहा जाता है। अगर यही 90 से 180 दिन हो तो इसे डाउटफुल कहा जाता है, और अगर यही 90 से 3 साल के लिए हो तो इसे लॉस में कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक। इसी के निकलने के लिए अगर मैं बात करूं तो एक संकल्पना अभी जन्म ले रही है, उसका नाम है बैड बैंक। अगर कभी बैड बैंक का आपका सामना हो तो ये समझ लीजिएगा ये एक तरीके से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बैंकों से उनका एनपीए खरीदने का काम करती है और खरीदने के बाद में उनको रिकंस्ट्रक्ट करती है, वसूलने का काम करती है, ठीक। ये है आपका एनपीए। एनपीए के बाद में बात करूं तो एटीएम, एटीएम को बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और एटीएम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है व्हाइट लेबल और एक होता है ब्राउन लेबल, ठीक। अगर मैं व्हाइट लेबल की बात करूं तो जब भी कोई एनबीएफसी अपना एटीएम इंस्टॉल करता है तो वो व्हाइट लेबल होता है, और जब भी कोई अपना बैंक एटीएम इंस्टॉल करता है तो वो ब्राउन लेबल होता है। वनडे के एग्जाम्स के लिए इतना सफिशियंट है। अगर मैं केसीसी की बात करूं तो केसीसी को जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में किया गया था, इसका मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूं तो यह एक फसली के लिए आपको मतलब मिनिमम अमाउंट पे, मिनिमम ब्याज दर पे बैंक आपको ऋण उपलब्ध कराने की फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है। अगर मैं वही एनपीसीआई की बात करूं तो एनपीसीआई को बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यह एक गैर लाभकारी निकाय है जिसकी स्थापना 2016 के आसपास किया गया था। और आप देखेंगे तो बहुत प्रकार के एप्लीकेशंस को बनाने का काम कर रही है, जिसके अंदर आपका आ जाता है भीम, आपका आता है यूपीआई। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो जो आपका फास्टैग है, आप फास्टैग भी देखेंगे तो ये सर्विस भी एनपीसीआई प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मैं बात करूँ आरटीजीएस, एनईएफटी एंड आईएमपीएस। अगर मैं आरटीजीएस की बात करूँ तो आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर मैं आरटीजीएस की बात करूँ तो आरटीजीएस एंड एनईएफटी इन दोनों की जो सर्विस है वो आरबीआई प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर मैं आईएमपीएस की बात करूँ तो आईएमपीएस की जो सर्विस है ये एनपीसीआई प्रोवाइड करती है, जो कि अभी हमने पहले देखा है। अगर मैं आरटीजीएस की बात करूँ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की, तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम आपका 2 लाख अमाउंट है। 2 लाख के ऊपर से आप अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका रियल टाइम में सेटलमेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर मैं एनईएफटी की बात करूँ तो एनईएफटी का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और यहाँ आप 1 रुपए से ऊपर तक के फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैं आईएमपीएस की बात करूं तो आईएमपीएस का भी सेम प्रोसीजर है एज एनईएफटी, बट आईएमपीएस की जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो एनपीसीआई करता है, लेकिन आरटीजीएस और एनईएफटी की सर्विस आरबीआई प्रोवाइड करता है, ठीक। और ये सारी सर्विसेज 24/7 अब प्रोवाइड की जा रही है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक। तो ये रही आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बच रहा है, वो है शाख नियंत्रण, जो कि मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन चूंकि टाइम काफी हो जाएगा,
शाख नियंत्रण। शाख नियंत्रण क्या है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर दूंगा। शाख नियंत्रण में बेसिकली होता क्या, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। शाख नियंत्रण में क्या होता है कि सरकार शाख नियंत्रण को करने के लिए बेसिकली क्या, इसका मतलब ये समझिए कि जब भी मुद्रा स्फीति बढ़ती है तो मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI कुछ टूल्स का यूज करती है। वो कौन कौन से टूल्स होते हैं उन्हें जब हम देखते हैं तो ये एक तरीके से शाख नियंत्रण माना जाता है। मतलब ऋण देने की जो प्रथा है या व्यवस्था उसको कैसे नियंत्रित करती है, इसी को शाख नियंत्रण कहा जाता है। ठीक, हम इसे अपने नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे क्योंकि अगर मैं इसे बताने लगूंगा तो सेशन आपका बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखे सो प्लीज आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए कि कम से कम टाइम में मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप तक मैक्स डेटा डिलीवर कर सकूं। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।